हेलो फ्रेंड्स, फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। सो गाइज, ये पनीर मैंने लिया है। आज फूडी वेब के किचन में हम बनाएंगे पनीर मोदक। तो इसे हम सबसे पहले कद्दूकस कर लेंगे। ये पनीर 100 ग्राम है। गणपति बप्पा जितने दिन हमारे घर रहते हैं उतने हर दिन हमारे घर में आरती पूजा होती है। प्रसाद का भोग हम चढ़ाते हैं गणपति बप्पा को। तो बप्पा के प्रसाद के लिए ये वाले मोदक बेस्ट ऑप्शन है। ये जल्दी ही बन जाते हैं। जो पनीर हमने लिया वो है 1 कप, और उसमें 1 कप हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, और ये 1/2 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर दूध लिया है। ये दूध हमें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लेना है, बिल्कुल ठंडा ना हो और गर्म भी नहीं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें घी ऐड किया है। इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी इसे हमें गैस पर नहीं चढ़ाना है। सब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे। मध्यम आंच पर हमें इसे रखना है, और बिल्कुल 2 या 3 मिनट के अंदर आप देखोगे ये वाला जो मिश्रण है थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, ये जो मिश्रण है बिल्कुल कढ़ाई को इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी। एक ही मेज़र आपको फिक्स रखना है। जिस कप से मैंने पनीर और मिल्क पाउडर लिया था, दूध लिया था, उसी कप से मैंने 1/2 कप चीनी इसमें ऐड की है। जैसे ही चीनी मेल्ट होना स्टार्ट करेगी ये वाला मिश्रण थोड़ा सा फिर से लूज़ होगा और फिर ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा। चीनी ऐड करने के बाद इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। बस चीनी मेल्ट होते ही थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हुआ है, उसी स्टेज पर गैस को बंद करके इसे ठंडा होने देना है। मैंने इसके 2 अलग हिस्से किए हैं। इसे कवर नहीं करना है गाइस, ऐसे ही इसे ठंडा होने देना, या तो फिर आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी कुछ 5 या 10 मिनट के लिए रख सकते हो, तुरंत ही ये सेट हो जाएगा। इसके एक हिस्से में मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसका डो बना के रखा हुआ है। और अब हम बनाएंगे मोदक। तो ये मेरे पास मोदक का सांचा है। इसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारे मोदक इसमें स्टिक ना हो। कोको पाउडर मिक्स किए हुए हिस्से में से एक मैंने गोला लिया, और हम इसमें इस तरह से मोदक बनाना स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। इसे बीच में हम होलो स्पेस बनाएंगे, और साइड पर इसे किनारियों पर इस तरह से हम स्टिक करेंगे। फिंगर्स की मदद से हमें सभी जगह इस तरह से हमें सेट करना है, और बीच में थोड़ा सा हमें गैप बनाना है जहाँ पर हम ऐड करेंगे अपना जो वाइट वाला पोर्शन था। अगर आपको कम लगे तो इस तरह से थोड़ा सा हम फिर से एक पैच इसमें ऐड कर सकते हैं वाइट वाले हिस्से का। देखिए गाइस, कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा मोदक जब ये सांचे में होगा। और अब इस तरफ एक की है, उस की को इस तरफ से हम खोलकर मोदक को बाहर निकालेंगे। वाओ, देखिए गाइस कितना परफेक्टली हमारे मोदक ने इस सांचे का शेप ले लिया है। बिल्कुल हल्के हाथों से और केयरफुली इस सांचे में से हमें मोदक को बाहर निकालना है। देखिए कितना परफेक्ट डिज़ाइन आया हुआ है। और इस तरह से गाइस मैंने सारे मोदक बना लिए हैं। और जो इसका वाइट पोर्शन था गाइस, आप इसमें वेनिला का एसेंस डाल सकते हो या इसमें ड्राई फ्रूट्स भी आप मिला सकते हो, लेकिन मैंने इन्हें एक टेम्पटिंग सा फेस्टिव लुक देने के लिए चांदी के वर्क से इन्हें गार्निश किया है। सो गाइस, ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ईजी है और जल्दी फटाफट बन जाएगी। जल्द ही फिर मिलेंगे फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल में। तो बने रहना गाइस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।